गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वह बीए फर्स्ट थर्ड सेम एंड बीए बीएड थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम इसकी विषय सूची को जानते हैं। खंड क, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। इस चैप्टर में हम रीतिकाल के विषय में चर्चा करेंगे। खंड ख, इस चैप्टर में हम हिंदी भाषा का विकास उनके विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। खंड ग, इसमें हम रीति सौरभ रीतिकालीन कवि हैं जो इनका जीवन परिचय और उनके बारे में चर्चा करेंगे। खंड ग जयशंकर प्रसाद, इसमें हम जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर चर्चा करेंगे। खंड क, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल सम्मत 1700 से सम्मत 1900 तक। सम्मत 1700 से 1900 तक के समय को हिंदी साहित्य में रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। वैसे तो हिंदी साहित्य के चार काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, लेकिन आज हम रीतिकाल पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन साहित्य अथवा आदिकाल और भक्तिकाल के साहित्य से अलग प्रकार का साहित्य माना जाता था, क्योंकि आदिकाल में युद्धों के प्रति अधिक लगाव था। जो काव्य लिखा जाता था वह युद्धों की भूमि से संबंधित होता था। भक्तिकाल में प्रभु और आध्यात्मिकता के प्रति अधिक लगाव था, उसमें भक्ति पर बल दिया जाता था। जो रीतिकालीन काव्य था वह अलौकिकता पर आधारित था, जो जीवन के मायाजाल से संबंधित था। इसमें हमें गृहस्थ जीवन से संबंधित भी काव्य माना जाता है। नामकरण, रीतिकाल का नामकरण चाहे किसी भी काल का नामकरण हो वह कीर्ति कर्ता प्रीति या विशेष या प्रसिद्ध इतिहासकार के नाम पर भी रखा जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसे मध्य अंत आदि के नामों से भी जानते हैं। सभी विद्वानों ने नामकरण अलग अलग दिए हैं, इसके बारे में सभी विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मिश्र बंधुओं। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलकाल काल के नाम से माना है। उनके अनुसार रीतिकालीन काव्य में जो काव्य रचा गया था उसमें अलंकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग हुआ था। उसमें काव्य के साथ साथ अलंकारों का भी वर्णन किया गया है, इस कारण इस काल को उन्होंने अलंकार काल के नाम से जाना है। लेकिन कुछ विद्वान उसके इस मत से सहमत नहीं हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को कला काल का नाम दिया है। उनके अनुसार इस काल में कला पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया था, लेकिन काव्य के दो रूप होते हैं, वा पक्ष और कला पक्ष। दोनों के बिना काव्य अधूरा होता है, इस कारण उसके इस नामकरण को हम उचित नहीं मानते, क्योंकि इसको कलाकार नाम देना दोषपूर्वक है। विश्व आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है।